हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कई एडजस्टमेंट है जिसे हम पिछले क्लास में अध्ययन किए थे। आज हम एडजस्टमेंट नंबर 1 यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अर्थात नए लाभ अनुपात की गणना करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत कई तरह के केसेज हैं से हमें देखना चाहिए। केस फर्स्ट, जब when only new partner share is given and old partners share is given, यानी जब नया साझेदार का हिस्सा अनुपात या हिस्सा दिया रहे तथा पुराने साझेदारों का हिस्सा दिया रहे, केस टू, when the new partners purchase or acquires this year from old partners in particular ratio, अर्थात जब नया साझेदार अपना हिस्सा वर्तमान साझेदारों अथवा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं या क्रय करते हैं, केस थर्ड, व्हेन
द न्यू पार्टनर एक्वायर्स और परचेज इस ईयर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली, अर्थात जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतया किसी एक साझेदार से प्राप्त करते हैं, केस फोर्थ व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर और सेक्रीफाइस ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर अर्थात जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में समर्पण करते हैं, अर्थात त्याग करते हैं, अर्थात देते हैं। केस फिफ्थ व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो और फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज गिवन, अर्थात जब नया साझेदार
दिया रहे तथा पुराने साझेदारों पुराने साझेदारों का नया अनुपात या भावी लाभ अनुपात दिया रहे। इस तरह न्यू प्रॉफिट सेल्युलेशन निकालने के 5 शर्त हैं। इसका हम बारी बारी से अध्ययन अगले वीडियो में करते रहेंगे।